हाय गाइस, हाय फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ मर्शिका और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो मैं एक लाइन के साथ शुरू करना चाहूँगी, उससे काफ़ी हद तक आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करेंगे। दुनिया से जो मांगा मिलती रुसवाही है, तेरे दर पे सुना कृष्णा होती सुनवाही है। क्या समझते हैं आप इस चीज़ से? इस सिंपल सी लाइन का एक बहुत ही पावरफुल मीनिंग है कि जब जब हम दुनिया से अपने मन की बात कहते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ध्यान में रखिएगा कि एक्सेप्शन केसेस हर जगह पर होते हैं, लेकिन मैं मोस्ट ऑफ दी लोगों के बारे में बात कर रही हूँ कि हम सबके जीवन में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम अपने मन की बात कहते हैं, हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, लेकिन उनमें से क्या आप लोग मुझे खुद बताइए, हर किसी ने आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया है? हम सभी लोग ये पढ़ते हैं काफ़ी जगहों पर कि एक्सपेक्टेशंस रिश्तों में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्सपेक्ट करोगे तो डेफिनेटली अगर वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी तो आप हर्ट होगे। लेकिन ये भी जीवन का एक बहुत बड़ा सच है कि हम जिन्हें अपना मानते हैं उनसे हम एक्सपेक्टेशंस रखे बिना रह भी नहीं सकते, कि क्योंकि इफ़ यू आर डूइंग समथिंग फॉर समवन तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सपेक्ट करते हो, एटलीस्ट इतना तो एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला उस चीज़ की इज्जत रखे, उस चीज़ की रिस्पेक्ट रखे, भले ही बदले में आपके लिए वो सेम वैसा कुछ कर रहा हो या ना कर रहा हो। तो जो लाइन मैंने कही कि दुनिया से जो मांगा मिलती रुसवाही है, तेरे दर पे सुना कृष्णा होती सुनवाही है। जब जब हम दुनिया से कुछ भी मांगते हैं या कुछ भी एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोग हमारी उन एक्सपेक्टेशंस को कुचल कर चले जाते हैं, चाहे हमने उनके लिए कितना ही अच्छा किया हो, चाहे हम उनके लिए कितने ही सच्चे मन से प्रे करते हों, सच्चे मन से चीज़ों को करते हों, लेकिन दुनिया तो दुनिया ही है, कोई भी उस परमात्मा की जगह हमारे जीवन में नहीं ले सकता। और मेरा पर्सनली ये मानना है, भगवान देखिए सब एक ही भगवान है, ईश्वर एक ही है, बस ये हम सब इंसानों पर डिपेंड करता है कि हमें कौन से रूप से प्रेम होता है और हम भगवान के किस रूप को अपना बनाना चाहते हैं। अपने इस जीवन काल में मैंने जिस रूप को अपना बनाया, भगवान के जिस रूप को पूजा, जिस रूप से प्यार किया, वो है श्री कृष्ण का रूप। कान्हा हमेशा से मेरे जीवन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट रहे हैं। रीज़न, सबसे पहला रीज़न, मुझे उनकी जो सबसे अच्छी बात लगती है क्यों मैंने इस रूप को चुना, कर्मयोगी, कर्म में बिलीव करने वाले। कभी भी उन्होंने मनुष्य रूप में आकर जो कुछ भी किया, महाभारत देख लो आप कृष्ण लीलाएं देख लो, कुछ भी देखो, मनुष्य को उन्होंने पल पल पर समझाने की कोशिश करी, हम सबके जीवन को वो बदलना नहीं चाहते थे, वो हम सबके जीवन में वो जो कमियां हैं वो हमें हमारे तरीके से पहचानने पर अच्छी समझ देकर चले गए। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उन चीज़ों को कितना समझ पाए हैं और कितना नहीं समझ पाए हैं। दुनिया में हर तरीके के लोग होते हैं, कुछ दूसरों के ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करते हैं और कुछ अपनी शेखी झाड़ते हैं। और ये कोई मैं नई बात नहीं बता रही हूँ, आप सभी के जीवन में भी ये सब कुछ बहुत बार आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। तो यही कारण था, पहला कारण यही था कृष्ण से प्यार करने का कि वो कर्मयोगी हैं। मुझे बहुत 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 ज़्यादा प्यार है इस रूप से भगवान के कि वो कर्मा में बिलीव करते हैं। और दूसरी बात, उन्होंने हमें कर्म का पाठ करना सिखाया, उन्होंने हमें ये सिखाया कि जब तक तुम कर्म नहीं करोगे, निष्कर्ष या फल तुम्हारे हाथ में अपने आप आकर नहीं गिर जाएगा। और सबसे खूबसूरत चीज़, ये चीज़ उन्होंने खुद अपने तरीके से अपने जीवन के थ्रू हमें समझाने की कोशिश भी करी है, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो आपकी लाइफ की आपकी फैमिली हो या कुछ भी हो, आपको हर रिश्ते को बनाए रखने के लिए एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। दूसरी बात, कृष्ण से जो मेरा रिलेशन है, मैं कभी भी उनको भगवान की तरह नहीं पूछती। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज जो भी बातें मैं बोल रही हूँ वो सब मेरे मन से निकली हुई बातें हैं। कृष्ण के रूप को मैंने कभी भी भगवान की तरह नहीं पूजा। अगर मैंने उनके आगे धूप भी जलाई है, उनके आगे दीपक भी जलाया है, उन्हें जल भी अर्पण किया है, उन्हें भोजन दिया है, खाना दिया है, उनसे प्यार किया है, तो वो सब कुछ उन्हें सखा मानकर किया है। और यही रीज़न है कि मुझे महाभारत का सबसे खूबसूरत पात्र लगता है द्रौपदी। अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम कौन से पात्र से सबसे ज़्यादा या कौन से कैरेक्टर से सबसे ज़्यादा प्यार करती हो, तो मैं द्रौपदी से इसीलिए प्यार करती हूँ, किशोरी जी तो अपनी जगह पे हैं, किशोरी जी और कृष्ण तो कभी अलग है ही नहीं, बट द्रौपदी उनकी सखी थी और मैंने हमेशा से खुद को उनकी सखी माना और उन्हें अपना सखा माना। आज भी वही मानती आई हूँ, लेकिन जीवन में हर रिश्ते को, जैसा मैंने बताया कि हर रिश्ते में हमें एफर्ट्स डालने होते हैं,
एक यही रिश्ता मेरी जिंदगी का ऐसा रिश्ता था जिसमें मुझे कभी एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जिस रिश्ते ने हर कदम पर मेरा साथ निभाया। अब रही बात की किस तरह साथ निभाया, देखिए जीवन में भगवान अपने रूप में उतर कर नहीं आते हम सबके जीवन में। अभी हम इतने प्योर सोल या अभी हमारे कर्म इतने ज़्यादा प्योर नहीं हो गए हैं कि हमें साक्षात श्री कृष्ण का रूप दिखने लग जाए। तो वही चीज़ मेरी लाइफ में जो हुई है वो लोगों के थ्रू हुई है। मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे खूबसूरत रिश्ते मेरे सखा ने दे रखे हैं जिनमें मैं अपने सखा का रूप देख सकती हूँ। बहुत सारे लोग लाइफ में आए, बहुत सारों में से बहुत सारे चले गए, और जब कुछ रिश्ते ठहर गए वो रिश्ते मेरे कृष्ण के दिए हुए ब्लेसिंग्स हैं जिन्हें मैं हमेशा से चेरिश करती आई और हमेशा आगे भी चेरिश करती रहूँगी। अब कुछ बार ऐसा हो जाता है कि ज़िंदगी में हमें बहुत हर्ट होता है कि एक ही ये मेरा ऐसा रिश्ता था जिसे मैं सोचती थी कि शायद है कि मुझे कभी प्रूव नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा डायरेक्ट रिश्ता मेरे सखा के साथ था। बट होता है कि कभी कभी आपको परीक्षा देनी पड़ती है। अब कृष्ण की परीक्षाओं के अलावा शायद है कि मेरे जीवन में पिछले कुछ दिनों से ये परीक्षा बार बार रिपीट हो रही है कि एक सवाल लोगों के जहन में बहुत खटक रहा है कि ये कंठी आप जो मेरे गले में देख सकते हैं, ये तुलसी माला मैंने क्यों पहन रखी है। ये सवाल लोगों को परेशान कर रहा है। मैं किसी का नाम यहाँ नहीं लूँगी क्योंकि मैं लेना भी नहीं चाहती और मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि इसका जो रिश्ता है वो डायरेक्ट मेरे दिल से है। ये कंठी मैंने पहनी थी जब मेरे पापा इस दुनिया में थे, मेरी मदर ने मेरा रिश्ता श्री कृष्ण के साथ जोड़ा था। जीवन में कुछ ऐसा हुआ, लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि मैं बहुत टूट गई थी और मेरा दुनिया से विश्वास उठ गया था। उस समय मेरी माँ ने मुझसे कहा कि जाओ और इनसे अपने मन की बात कहो और आगे से हमेशा इनसे ही अपने मन की बात कहना। तो मैं सच में कहना चाहूँगी कि इनका जो रिश्ता मुझे दिया गया था या ये मेरे जीवन में जब आए थे तो ये मेरे जीवन में मेरी मम्मी के थ्रू आए थे, उनके बोले हुए वो शब्द और आज तक मेरा इनसे बना हुआ रिश्ता सब कुछ मेरी मम्मी का दिया हुआ है। उस समय पर मैं बिल्कुल टूट गई थी और मैं उन लड़कियों में से या उन इंसानों में से रही हूँ कि जब तक चीज़ें मेरे सामने नहीं हो जाती हैं मुझे समझ नहीं आता, मुझे यकीन नहीं आता कि हाँ वो चीज़ें एक्चुअली में एग्जिस्ट करती हैं। तो भगवान के साथ जो मेरा रिश्ता था, क्योंकि सभी लोग यूजुअली या मतलब हैं ही भगवान, कृष्ण तो भगवान ही है ना, मेरे लिए वो सखा रूप में, मैं उन्हें सखा रूप में मानती हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट भगवान के साथ जो मेरा वो कनेक्शन बना उस समय मैं बिल्कुल टूटी हुई थी। मैं किसी चीज़ में बिलीव नहीं करती थी बट मेरी मम्मी के विश्वास पर विश्वास करते हुए, जैसे कि मैं बताऊंगी कि आज मेरे विश्वास पर बहुत लोगों ने विश्वास करते हुए कृष्ण से रिश्ता जोड़ा, ऐसे ही उस समय अपने मम्मी के विश्वास पर विश्वास करते हुए मैंने भगवान कृष्ण से अपना रिश्ता जोड़ लिया था। उस समय की बात है कि मैं इतना ज़्यादा सब कुछ, इतना टर्मोइल्स आ रहे थे, इतनी परेशानी थी, समझ नहीं आ रहा था और लोगों से मैं वो बात कह भी नहीं सकती थी। कई बातें ऐसी होती हैं जो हम किसी के भी आगे कहने से कतराते हैं, तो वो बातें मैंने भगवान से जब कहीं, जब कृष्ण से कहीं, तो उस समय मैंने उन सोचा कि मैं इनसे कौन सा रिश्ता मानकर ये सब बातें कहूँ। तो दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हम कभी जज नहीं किए जाते। जो सच्चा दोस्त है वो आपको कभी जज नहीं करेगा, वो हमेशा एक गुड लिसनर होगा, आपको सही गलत का मार्ग दिखाएगा, अच्छा रास्ता दिखाएगा। तो वो रिश्ता मैंने इनसे तब जोड़ा था। उस समय मैंने कहीं पर पढ़ा था या कहीं पर देखा था उसी दौरान कि तुलसी माला कृष्ण भगवान का प्रतीक होती है। आप अपने दोस्त को हमेशा अपने साथ, अपने करीब रखने के लिए, वैसे तो वो हमारे कण कण में एग्जिस्ट करते हैं, जो बोल रही हूँ वो भी कृष्ण है, जो देख रही हूँ वो भी कृष्ण है। ये सब बातें मुझे मेरी दादी ने बताई थी एक टाइम पर कि भगवान या कृष्ण या जो भी, जिन्हें भी तुम मानते हो, महादेव कृष्ण या जो भी हैं, जिन्हें भी आप मानते हो, वो सब आपके खुद के अंदर विराजमान है। तो वही बात मैं जानती थी, लेकिन होता है ना कि हम लोगों को सिंबल्स से भी बहुत प्यार होता है। जब भी मैं इस कंठी को हाथ लगाती हूँ, इस माला को हाथ लगाती हूँ, मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे कृष्ण, मेरे सखा मेरे बहुत करीब हैं। ठीक है, तो ये उस भावना से मैंने धारण की थी। उस समय पर भी मुझे पता था कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, दीक्षित लोग होते हैं, इसका अर्थ लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा पूजनीय और बहुत ही ज़्यादा, मतलब लाइक जो कुछ भी देखा था वो इसी तरीके का था कि हाँ आप ये नहीं कर सकते, आप प्याज नहीं खा सकते, आप लहसुन नहीं खा सकते, आप नॉनवेज नहीं खा सकते, आप पीरियड्स में इसको धारण नहीं कर सकते, आप बाथरूम में इसको पहन के नहीं जा सकते। बहुत सारी बातें मैं आप लोगों के आगे बोलूँगी कि हाँ मैंने पढ़ी थी उस टाइम कि ये बातें थी, लेकिन इसके साथ रिश्ता जुड़ना था तो वो बस जुड़ गया। मैंने उस समय पर, अगर सच में
एक बार भी सेल्फिश होकर मैंने सोचा होता कि इसको मैं पहन रही हूँ, इसके इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने फॉलो नहीं किए या चूक गई, अगर एक बार भी मेरे मन में ये बात आई होती कि कुछ गलत हो सकता है, तो मैं इसे कभी धारण नहीं करती। लेकिन उस मन में एक ही विश्वास था कि मैं इसे कृष्ण की तरह पहन रही हूँ, ये कृष्ण का रूप मेरे गले में है, तो भगवान ने ही मुझे बनाया है, भगवान ने ही हम सबको बनाया है, ये सब चीज़ें उन्हीं की दी हुई हैं, तो वो हमारी किसी भी चीज़ से नफरत कैसे कर सकते हैं। और हर इंसान की सोच, हर इंसान की समझ अपने एक्सपीरियंसेस से बनती है। जिस तरीके की अपब्रिंगिंग कह लो, या जिस तरीके की विचारधारा, जिस तरीके के माहौल में मैं पली बढ़ी, जिस तरीके की किताबें मैंने पढ़ी, जिस तरीके का जीवन मेरा रहा है, उस हिसाब से मेरी विचारधारा है। तो मैंने इस माला को सिर्फ कृष्ण समझकर धारण किया था। यही रीज़न है कि मैं विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस इसको कैरी करती आई। लेकिन अब मेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने इस चीज़ पर सवाल उठाया कि क्यों, अगर ये पहनोगे तो भगवान तुम्हारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ पहनोगे तो, अदरवाइज तुम भगवान का अपमान कर रहे हो। मुझे नहीं लगा ऐसा कभी भी कि मैं भगवान का कोई भी अपमान कर रही हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में रीजंस थे उन सभी चीज़ों। अगर इसको पहनने के बाद कुछ भी ऐसा मेरी ज़िंदगी में घटा होता कि मैं समझ पाती, जैसा कि मैंने अभी बताया कि मैं उस तरीके की लड़की कभी रही नहीं जो दूसरों की बातों को सुनकर उनको बिल्कुल ही प्रायोरिटाइज कर ले, मैं हमेशा जो चीज़ें मेरे साथ होती हैं, जो चीज़ें मेरे सामने हुई हैं, उन पर बिलीव करती हूँ। तो वही चीज़ थी कि मुझे जो इंट्यूशन, जो फीलिंग आई थी इसको पहनते हुए, आज भी वही सेम फीलिंग एग्जिस्ट करती है मेरे अंदर। बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के मैंने इसे कैरी किया था, मेरी लाइफ में कभी कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं घटा जो मुझे लगे कि हाँ इसका अपमान करते हुए वो नेगेटिविटी आई हो। इनफैक्ट मेरी जीवन में कुछ ऐसे मिराकल्स हुए हैं टाइम एंड अगेन, जो बहुत ही खूबसूरत चीज़ें थी। चाहे वो मेरी गोद में खुद से किसी के थ्रू 56 भोग आ जाना, जो कि किसी और को, जो कि भगवान के अलावा किसी और को मिला भी नहीं था, चाहे वो स्कोन में हर बार जाना, माला मिलना, फूल गिरना मेरे ऊपर, कृष्ण के भजन सुनते हुए मेरी आंखों से आंसू आ जाना, और भी बहुत सारी तरह तरह की खूबसूरत चीज़ें, खूबसूरत फीलिंग्स। जब से मैं कृष्ण के साथ जुड़ी, एक सखी की तरह जुड़ी, मैं स्कोन भी जाती थी तो बिना सोचे समझे मैं इतना श्रृंगार बिल्कुल बिल्कुल उनके लिए सजकर चली जाती थी, बिना सोचे समझे कि मेट्रो में जाऊंगी लोग क्या जज करेंगे कि इतना तैयार होकर आई है। बस आजकल जिंदगी में चलता है ना, लोगों का जजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो हर चीज़ को जज करते हैं। बट कुछ खूबसूरत रिश्तों का मेरी ज़िंदगी में आना, मेरे पापा 2016 में चले गए हमें छोड़कर, मैं उस समय भी टूट गई थी, और उस समय मैंने जो कंठी, जो माला गले में पहन रखी थी तुलसी की, उसे उतार दिया था, क्योंकि एक क्षण के लिए विश्वास नहीं उठा था इनसे, एक क्षण के लिए वो नाराजगी मेरे मन में इनके लिए आ गई थी, क्योंकि वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता था और आज भी है। लेकिन कैसे ना कैसे करके मेरी फ्रेंड नेहा के थ्रू ये माला मैंने फिर से धारण की। अगर नहीं वो रिश्ता निभा रहे थे, अगर नहीं वो चाहते थे कि कोई ऐसा इंसान इसको पहने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो क्यों मेरे इतना करीब रहते। अब ये फीलिंग तो मैं और मेरा दिल और मेरा मन और मेरी लाइफ से जुड़े कुछ स्पेशल लोग ही जानते हैं, जिन्होंने उन सारे मिराकल्स को, उन सारे चमत्कारों को साक्षात अपने साथ, अब मेरे साथ होते हुए सामने से देखा है। तो वो कुछ खूबसूरत रिश्ते मेरी ज़िंदगी में हैं आज भी, जो इन्हीं के दिए हुए हैं, जो मेरे सखा के दिए हुए हैं, जिनके रूप में ये बार बार आकर मुझे जीवन की हर मझधार से पार लगा देते हैं। तो बात वही है कि आइडियोलॉजी चेंज हो गई है, लोगों की, लोग अपनी आइडियोलॉजी दूसरों पर थोपना चाह रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं पॉसिबल है। अगर मेरा रिश्ता मेरे कृष्ण से है तो वो हमेशा रहेगा। और रही बात एक माला से कुछ प्रूव हो जाने की, ऐसा नहीं होता है। साइंटिफिकली भी ये माला मेरे दिमाग को बहुत शांत रखती है, बहुत शांति देती है। मेरे गले से ये छुई हुई माला मुझे बहुत सुकून देती है। जैसे कि हम ये अंगूठी होती है जो चंद्रमा की, जो मोती की जो अंगूठी होती है, ये पहनते हैं तो मन शांत रहता है, उसी तरह ये माला मुझे साइंटिफिकली भी बहुत शांति देती है। तो मैं तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती इन सारी सुपरस्टिशियस चीज़ों में। हाँ, जो लोग भक्ति करते हैं, जो लोग दीक्षित हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं उन सबकी इज्जत करती हूँ। इवन मेरे जो आइडियल्स हैं, जो भी लाइफ में मैं जिन्हें मानती हूँ, जिन्हें देखकर मुझे लगता है कि हाँ मुझे जीवन में कुछ सीखना चाहिए, मुझे जीवन में कुछ ऐसा हासिल करना चाहिए, जैसे देवी चित्रलेखा जी हैं, जया किशोरी जी हैं, कृष्ण प्रिया जी हैं, मुझे ये सब बहुत ही ज़्यादा पसंद है।
और मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो मुझे किशोरी जी से जुड़े हुए नामों से भी बुलाते हैं। किसी ने मुझे गौरंगा नाम दिया था, कोई मुझे जीवा बुलाता है, कोई मुझे मतलब खुद द्रौपदी का रिश्ता क्योंकि मुझे बहुत प्यारा था तो मेरा एक दोस्त है उसने मुझे सीधा बोला कि कलयुग की द्रौपदी करके समथिंग लाइक दैट कुछ बात हुई थी उस टाइम पर। तो अगर इतना ही सब कुछ गलत है तो फिर इस तरीके की चीज़ें मेरी ज़िंदगी में कैसे एग्जिस्ट करेंगी। एक टैरो रीडर थी, अभी भी है, मैं उन्हें फॉलो करती हूँ, बहुत अच्छी लगती मुझे, एल्फा नाम है उनका, अब्रॉड की हैं। उनसे मैं कनेक्ट होना चाहती थी, उनके काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थे यूट्यूब पर और फॉलोअर्स भी हैं, आप इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हो। उस टाइम उनका नाम लिल सी वीड के नाम से एग्जिस्ट करता था, आज नाम शायद चेंज कर दिया उन्होंने। मैं उनसे कनेक्ट होना चाहती थी, मतलब मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लाइफ में जो कुछ भी मैंने ऑलमोस्ट चाहा वो मुझे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कैसे ना कैसे मिला है, वक्त ज़रूर लगा है लेकिन मिला है। तो मैं उनसे कनेक्ट होना चाहती थी, तो मैंने बहुत ही मन में मतलब कि कान्हा मेरा बहुत मन है कि एक बारी मेरी इनसे बात हो जाए, तो मैंने उनको इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट किया, मैंने उनको DM किया इंस्टाग्राम पे, एंड बिलीव मी मेरे पास, मैं आप वो स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकती हूँ, मेरे पास मेरी उनसे प्रॉपर कन्वर्सेशन हुई थी अबाउट टैरो रीडिंग। शी रिप्लाइड, ठीक है, जो बहुत ही रेयर चीज़ थी, जो चीज़ मैंने कभी सोची भी नहीं थी कि हो भी सकती है। उनसे मेरा कनेक्शन इतना अच्छा बना, मेरी जीवन में कुछ इतना इज्जत करने वाले लोग, कुछ इतना प्यार करने वाले लोग मेरे पास हैं और मैं खुश हूँ उन कम लोगों में ही मैं खुश हूँ। मुझे नहीं चाहिए दुनिया के इतने सारे लोग जो आपके मुंह पर तो कुछ और हैं और आपके पीठ पीछे कुछ और बात करते हैं। दोस्त ऐसे होने चाहिए, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली ऐसी होनी चाहिए कि आप सामने नहीं भी हो ना तब भी आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके आगे ढाल बनकर खड़े हो जाए। लोगों को जीवन में अच्छी तरह चुनना बहुत मुश्किल है और बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ चूज़ योर पीपल वाइजली, बिकॉज ये लाइफ हमें एक ही बार मिलती है। इस जीवन में जो कुछ भी करना है वो हमें कर लेना चाहिए। मैं बहुत साफ दिल की रही हूँ, बहुत खुले दिल की रही हूँ शुरू से, यही रीज़न है कि मैं शायद हर्ट भी लाइफ में बहुत ज़्यादा हुई हूँ, क्योंकि लोगों से जिनसे भी मैं कनेक्ट हुई, चाहे मैं उन्हें जानती थी नहीं जानती थी, मैंने प्योर हार्टेडली जितना भी मेरे से हो पाया सबके लिए करने की कोशिश करी है। मैं यहाँ पर बोस्ट ऑफ नहीं कर रही हूँ, मैं आप पहले ही बता रही हूँ, मैं बोस्ट ऑफ नहीं कर रही हूँ, मैंने पहले ही बोला था कि मेरे को हार्टफेल्ट कन्वर्सेशन चाहिए इस टाइम पे, मैं अपने मन की बातें रखना चाहती हूँ, तो वही बातें मैं आप सबके आगे रख रही हूँ, बिकॉज यू आर माई फैमिली, आप भी मेरी फैमिली का एक पार्ट हो। ये यूट्यूब भी जिस टाइम पे स्टार्ट किया था उस टाइम पे बहुत डिप्रेसिव मोड में, पीछे एक वीडियो मैंने बनाई भी है, अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगी, बहुत डिप्रेसिव मोड मेरी लाइफ का चल रहा था जिस टाइम पे भगवान ने रे ऑफ होप की तरह ये यूट्यूब मुझे दिया था। उस टाइम पे मेरे पास शेयर करने के लिए कोई मीडियम नहीं था, तो एट दैट टाइम यूट्यूब केम इन टू माई लाइफ एज एन आइडिया कि क्यों ना मैं अपनी एक्सटेंडेड फैमिली बनाऊँ, क्यों ना मैं अपनी सोल ट्राइब को सर्च करूँ और उसके बाद मैं मतलब लाइक कनेक्ट हो सकूँ लोगों के साथ। तो मैंने यूट्यूब को चूज़ किया, यूट्यूब के थ्रू बहुत सारे मतलब लाइक लोग मुझसे जुड़े थे। इंस्टाग्राम पे भी अब मैं मतलब लाइक ट्राई करती रहती हूँ कि करूँ कुछ ना कुछ हो अच्छा लाइफ में। तो भाई दूसरों को जज करना छोड़ दो, और जो लोग जज करते हैं उनको इग्नोर करना चाहिए, मैंने भी यही आर्ट सीखा है, मैं भी इग्नोर करने लगी हूँ अब लोगों की बातें। लेकिन कई बार आपके जहन में कुछ चीज़ें इतनी चुभ जाती हैं कि आपको थोड़ा बहुत फिर बोलना पड़ता है सामने से कि हाँ ठीक है हम ये फील करते हैं, और इस फीलिंग के साथ, और ये वीडियो भी मैंने इसी फीलिंग के साथ बनाया था कि मैं ये फील कर, जो मैं फील करती हूँ, जिस भावना के साथ मैंने इसको धारण किया था, जिस भावना के साथ मैंने कृष्ण से इतना प्यार किया, तो वो क्या है। और कृष्ण मेरे लिए एक इमोशन है जो किसी के कहने ना कहने, रहने ना रहने से कभी नहीं बदल सकता। मेरे परम पिता भी वो, मेरे भगवान भी वो, मेरे दोस्त भी वो, मेरा प्यार भी वो, जो जो कुछ भी जो फर्स्ट रिलेशन है मेरा वो उन्हीं से रहा है हमेशा, रक्षाबंधन पे पहली राखी भी उन्हें बांधी है हमेशा, प्यार भी उनसे किया है। तो जब ये खूबसूरत रिश्ता उन्होंने खुद मुझसे जोड़ा और मैंने उनसे जोड़ा, तो कोई भी पर्सन क्या बोलता है क्या करता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन प्लीज़ बी काइंड टूवर्ड्स ईच अदर, क्योंकि एज वी नो कि दुनिया में जितनी नेगेटिविटी है, अगर हम लोग इन सब चीज़ों पर दूसरों को जज करने लग जाएंगे तो बहुत कुछ खराब हो सकता है। अब ये रिश्ता भी हर किसी के बस की नहीं है समझने की बात, क्योंकि देखो हर किसी को वो स्पिरिचुअल एनर्जीज यूनिवर्स नहीं देता। यूनिवर्स बहुत ही कम लोगों को ब्लेस करता है कि स्पिरिचुअली हम कनेक्ट हो सकें, भगवान के साथ हो सकें, यूनिवर्स के साथ हो सकें, या लोग हम अच्छे लोगों के साथ हो सकें, तो सबको तो वो ब्लेसिंग्स नहीं मिलती ना। तो अगर आप भी ऐसे हो जिसकी लाइफ में ऐसी ब्लेसिंग्स हैं कि आपके लाइफ में पॉजिटिव लोग हैं, अगर एक इंसान भी है ना, तो उस एक इंसान को पकड़ो
और जीवन को जीते चले जाओ। और जिंदगी का कारमा है ये तो चलता जाएगा, मौत तो अल्टीमेट ट्रुथ है, सबको आनी है, लेकिन जब तक इस लाइफ में हो तो कुछ ऐसा तो करो कि दुनिया आपको याद रखे। और दुनिया क्या यार, अपनी नज़रों में अच्छे रहो, अपनी नज़रों में उठो, और भगवान या फिर आपके जो भी गॉड हैं, जीसस हैं, आप जिस भी भगवान के रूप को पूजते हो, आप उनकी नज़रों में सही रहो और अपनी लाइफ में बेस्ट दो अपना, अपने रिश्तों के लिए अच्छा। कि मेरा मानना यही है कि सबसे ज़्यादा खुशी आपके ईश्वर को तभी होती है जब आप दूसरे लोगों को खुश रखते हो, उसके बनाए हुए इंसानों के साथ अच्छे से बिहेव करते हो, उनकी मदद करते हो। बाकी सारी चीज़ें आप जो भी करते हो, पूजा पाठ करते हो, सब कुछ करते हो, वो सेकेंडरी चीज़ें हैं, लेकिन इंसान होने का आपका पहला धर्म और कर्म दोनों ही ये है कि आप सही तरीके से अपने जीवन का कर्म करो, सही तरीके से लोगों की मदद करो, जो नीडी है उनके साथ अच्छे से रहो, और जिन्हें ज़रूरत नहीं भी है उनके लिए भी हमेशा खड़े रहो कि अगर लाइफ में कभी भी उनको कोई परेशानी है तो दे कैन काउंट ऑन यू। तब आपके जीवन को एक पर्पसफुल लिविंग का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, वो जिस दिन आप हासिल कर लोगे उस दिन बहुत सारी चीज़ें लाइफ में सॉर्ट आउट हो जाएंगी। मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, मैं तो उन लोगों के साथ बहुत खुश हूँ जो लोग मुझे अपना मानते हैं, जो लोग मुझसे खुश रहते हैं। बहुत अच्छी सोल ट्राइब और बहुत अच्छी एक्सटेंडेड फैमिली मेरे पास एग्जिस्ट करती है, और नाम मैं किसी का भी नहीं लूँगी। बहुत लोग, अगर जो लोग मुझसे कनेक्टेड हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, या जो भी, उनको पता होगा कि मेरी सोल फैमिली कौन है, और आगे आगे शेयर करती जाऊँगी जो भी और लोग लाइफ से जुड़ते चले जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आप लोग भी खुश रहिए, राधे कृष्णा, और बस बी हैप्पी एंड मेक एवरी वन एल्स हैप्पी, स्प्रेड स्माइल्स गाइज। एक ही जिंदगी है और बार बार नहीं मिलती, इसको अच्छे से जियो, मौज करो, अच्छे अच्छे कर्म करो। लोग तुम्हें याद रखें यार, ये क्या एक दूसरे की गॉसिपिंग करना, बुराई करना, कभी कभी मज़ा आता है, कभी कभी चलता है, मैं भी करती हूँ, बुराई नहीं, गॉसिप सब करते हैं, तो गॉसिप करो, मौज करो, बाकी ठीक है, एंजॉय, टेक केयर, बाय।